नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के YouTube पर प्रसारित होने वाले महिला संबंधी कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट पर आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर नासिरा शर्मा से। आप लेखिका हैं, प्रखर पत्रकार हैं, अनुवादक हैं, बाल साहित्यकार हैं और महिलाओं के मुद्दों पर प्रखरता से अपने विचार रखती हैं। हमारा ये कार्यक्रम महिलाओं का, महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा है। टू द वुमेन, फॉर द वुमेन, बाय द वुमेन। उद्देश्य है आपसे जुड़ने का और आपको जोड़ने का। कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है डॉक्टर नासिरा शर्मा जी। नमस्कार। अगर आपकी बात की जाए तो बहुत लंबी फहरिस्त है। आप उपन्यासकार हैं, सात नदियां एक समंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुइयां जान, जीरो रोड, कहानी संग्रह, शामी कागज, पत्थर गली, इब्ने मरियम, खुदा की वापसी, गूंगा आसमान, दूसरा ताजमहल, बुतखाना जैसी कहानियां हैं। अनुवाद की अगर बात करें तो शाहनामा, फिरदौसी, इकोज ऑफ ईरानियन रिवोल्यूशन, पारसी की रोचक कहानियां, काली छोटी मछली, लेख संग्रह है किताब के बहाने, औरत के लिए औरत, राष्ट्र और मुसलमान और रिपोर्टाज, जहां फब्बारे लहू रोते हैं, आपने फिल्में भी बनाई हैं। तो बहुत कुछ है आपके लिए और एक बिल्कुल विशाल भंडार है रचना संसार का। तो सबसे पहला सवाल ये कि वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो कैसा परिवेश था जिसने डॉक्टर नासिरा शर्मा को जन्म दिया, लेखक बनाया? एक्चुअली घर का माहौल ऐसा था जहाँ पे सभी लिखते पढ़ते थे, मैं भी कुछ कोशिश करती थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी जो बात की उपलब्धियाँ होंगी वो एक लेखक की तरह होंगी, क्योंकि मेरा ख्वाब तो जासूस बनने का भी था, डांसर बनने का भी था, फिल्म एक्ट्रेस बनने का भी था, बहुत कुछ था जो बचपन में एक तरह की चीजें होती हैं, वो सब था। और आपकी जो, आपका जो फलक है वो बहुत ही विस्तृत है, मतलब वो सरहदों को नहीं मानता। मैं एक जगह सुन भी रही थी, पढ़ भी रही थी कि आप सरहदों के पार सोचती हैं, लिखती हैं, तो उसमें ईरान, इराक, अफगानिस्तान और हर वो छोटी छोटी बात होती है, तो इसकी क्या वजह रही? कुछ तो देखिए माहौल था उस जमाने का, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें जो अखबारों में हम पढ़ते थे, लगातार आवाजाही थी, लोग आते जाते थे। फिर दूसरी वजह जो थी वो उर्दू भाषा थी, क्योंकि उसमें अनुवाद का काम बहुत हो रहा था और हमने तो शकुंतला को उर्दू में पढ़ा, सच पूछिए तो, महाभारत को उर्दू में मौजूद थी, रामायण जो है वो उर्दू और फारसी में मौजूद थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उर्दू भी एक चीज थी जिसने एक विश्व का फलक, एक सोच का अंदाज मुझे दिया, विस्तार दिया उसको। जी जी। और आपके लिए ये भी कहा जाता है कि आपकी भाषा पर, भाषा की बहुत तारीफ की जाती है और उसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है, फारसी है, अंग्रेजी है और पश्तो है। मतलब एक भाषा में कोई लिखे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ तो चार चार पांच पांच भाषाएं हैं। शुरू में मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, जो लोग ये कह रहे जबान के मालिक थे वो ये कहते थे अरे भाई ये उर्दू की है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो खुद कितने उर्दू के लफ्ज बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीज छांटना शब्दों को कि कौन कहाँ से आया है बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब फारसी मैंने सीखी और पश्तो सीखी तो मुझे लगा बड़े खूबसूरत लफ्ज हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैं इसमें एक मोती की तरह, एक जवाहर की तरह इसको जड़ दूं, और वो उन्हीं चीजों को बहुत पसंद किया गया। इतराज तो फिर कहीं घुल गया, क्योंकि फिर पाठकों की बात आती है कि पाठकों को मेरी भाषा पसंद आने लगी। अच्छा, आपके तो आप चार स्तंभों पे विशेष करके, मतलब वो आपके मजबूत पिलर्स जो हैं, उसमें सबसे पहला है कि आप एक पत्रकार भी हैं, पत्रकार रही हैं और आपने बड़ी अच्छी पत्रकारिता की है और खास करके पड़ोसी देशों को लेकर के। तो ये कैसे सोचा और इसमें किस तरह से शुरुआत कैसे हुई इसकी? शुरुआत एक्चुअली मेरी जिंदगी जो थी कोई बड़ी प्लानिंग के साथ नहीं हुई, और उसमें फिर मुझे एक तरह से फारसी पढ़ना पड़ा, जबकि मैं ज्योग्राफी पढ़ना चाहती थी और एक दूसरा अंदाज था मेरा, लेकिन जब फारसी पढ़ी तो मुझे वो उर्दू से ज्यादा मीठी लगी। अच्छा। और फिर फारसी के जरिए ये हुआ कि ईरान जाना हुआ, और जब ईरान का लिटरेचर और ईरानियों को देखा तो
इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया और इस तरह से जब मैं दूसरा सफर मैंने किया तो वहां रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। तो दरअसल फिर मेरी पत्रकारिता शुरू हो गई क्योंकि जो कुछ मैंने देखा वो मैंने लिखा। और मैं इतना ज्यादा तो एक्सपर्ट अपने को नहीं कहूंगी उस वक्त कि मैं ईरान और भारत के बड़े घनिष्ठ संबंध जो साहित्यिक थे उस पे मेरा कोई तो उसके ऊपर मेरा कोई काम हो या समझ हो, ये धीरे धीरे मैंने खुद डेवलप की। तो इसके लिए कोई कोर्स वगैरह भी था या स्वतः, मतलब एक जो पत्रकार बॉर्न पत्रकार भी लोग? नहीं, वो तो है, वो तो बॉर्न हर चीज ही मेरी रही है, वो खुदादाद थी। मेरे अंदर कुछ था जो निकल रहा था हालात की वजह से। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप अपने अगर पत्रकारिता का कोर्स कर रखा है तो ही आप एक बहुत अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। एक बारीक नजर जो आपकी होती है वो आपको ज्यादा पैना पत्रकार बनाती है। मैं तो यही मानती हूँ क्योंकि टेक्निकली ठीक है आप ज्यादा कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं तो उसमें टेक्निक कहाँ से आ जाती है? वहां तो आपकी समझ होगी, दृष्टि होगी और आपका डिवोशन होगा। बहुत अच्छी बात। तो ये पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? मतलब ये 1976 जी। तो उसमें तो महिलाएं बहुत कम होंगी इस क्षेत्र में। बिल्कुल महिलाएं थी, हिंदुस्तान में भी थी, लेकिन इस तरह की पत्रकारिता जरा थोड़ा सा नए तरह की थी हिंदी में, और शायद भारतीय भाषाओं में भी थी कि बाहर जाना, बाहर की चीजों को समझना और फिर लिखना, ये थोड़ा कम था, इसमें कोई शक नहीं। तो जैसे उस समय तो एक दौर था जिस समय की ये सशक्तिकरण और इस तरह की बातें शुरू एक तरह से हुई थी। वैसे तो महिला अगर भारत की देखा जाए तो शुरू से ही सशक्त रही है, हम चाहे गार्गी, मैत्री, लोभा मुद्रा जिनकी भी बातें करें, तो और जो कुछ करना चाहती है, ठानती है तो वो करके छोड़ती हैं। लेकिन फिर भी एक महिला के लिए बाहर जाना और फिर लिखना, ये सब मतलब परिवार की इसमें कितनी क्या था? जैसे लोग कहते हैं ना कि कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला होती है, तो महिला के पीछे वो ऐसी कौन सी ताकत थी आपके पीछे जिसने पत्रकारिता के लिए आपको सरहदों के पार जाने की भी अनुमति दी, या कह सकते हैं कि आपको वो ले गई वहां? मुझे लगता है मेरा पूरा परिवार था, दोनों परिवार, और मेरे पतिदेव को भी इसमें कोई इतराज नहीं था, और चूंकि वो मुझसे ज्यादा काबिल थे उन्हें लगता था ये एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मौका है जिसपे मैं लिख सकती हूँ, और मुझे जबान पता थी फारसी क्योंकि मैंने एमए फारसी में किया था। तो मेरे ख्याल से जब ईरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाती थी तो सबसे शार्प सवाल मेरे होते थे क्योंकि वो लोगों के दिलों से निकल के आते थे, और बाकी लोग जो थे वो ट्रांसलेशन के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो ये फर्क था। और इसीलिए मुझे सबको एक तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे स्पेशली पूरे जिसे कहते हैं इंटरव्यू लेने का वो वक्त भी, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसको आज हम कहते हैं, वो भी दिया। तो सभी शायरों से, कवियों से और लेखकों से, इसके अलावा राजनेताओं से बहुत ज्यादा इंटरव्यू मैंने लिए, कुछ छपे हैं और कुछ रखे हुए हैं। अच्छा, जो ये जो आज की जो पत्रकारिता है, आज जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं और जो उस समय की पत्रकारिता थी, दोनों में क्या फर्क महसूस करती हैं आप? देखिए, फर्क सिर्फ ये है कि लोग जो बुरी खबरें थी उसको नहीं फोकस करते थे। आज ये है कि जो सच हो रहा है, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, उसको लाने की या खोजी पत्रकारिता की, ये सब चीजें शुरू हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है जब अफगानिस्तान में मैं थी तो उस जमाने में चूंकि भारत सोवियत की तरफ उसका झुकाव था, तो नजीब को और वहां के बाकी लोगों को शिकायत थी, तो वहां पे एक लेडी ने कुछ ऐसी हरकत की थी जिसका जिक्र मैंने कभी नहीं किया। अरसे बाद उसका जिक्र मैंने किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस वक्त ये मुनासिब नहीं है और एक जरूरी खबर भी नहीं है। बिल्कुल, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का यूट्यूब पर प्रसारित होने वाला महिला संबंधी कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, जिसे आप न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
हमारे हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारी वेबसाइट है newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu। हिंदी के श्रोता हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोता @AIRNewsAlerts को भी फॉलो कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नासिरा शर्मा और मैं हूं अलका सिंह। तो आपने जो ये बात कही कि आजकल जब हम टेलीविजन चैनलों पर भी देखते हैं या हम कहीं भी मतलब वो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो एक मतलब जितनी नकारात्मकता होती है उसको लोग ज्यादा पब्लिसाइज करते हैं। अगर हम कहें जैसे अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें तो अगर हिमा दास मेडल लेती है तो उसकी खबर उतने उससे नहीं आती है। वैसे तो आती है, वो चीजें लोग सोशल मीडिया पर भी डालते हैं, लेकिन अगर कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई जैसे कोई घर से भाग गई है लड़की या इस तरह की जो खबरें होती हैं उसको मीडिया हर एंगल से दिखाने की कोशिश करता है, तो इसका समाज पे क्या, खास करके महिलाओं को अगर हम बात करें क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम भी महिलाओं से संबंधित है, तो उसका समाज के जनमानस पर कितना और क्या असर पड़ता है? उससे डिस्टर्बेंस रहता है क्योंकि उत्तेजित तो आप हो ही जाते हैं, वो सारे दिन चलाते हैं, आप सारे दिन उसके ऊपर सोचते हैं और सडनली फिर वो खबर गायब हो जाती है और उसका अंत क्या हुआ ये बताते ही नहीं है, तो उससे भी एक बेचैनी एक बेकली होती है। पहले ये था कि उसमें तय किया जाता था कौन सी खबर है जो दूसरों को परेशान ना करे, ये अभी जाना ठीक नहीं है, इसको पूरा पका लो इसका नतीजा क्या है। अभी यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो झूठ भी बयान कर दी जाती हैं और खास तौर से उन लोगों को लाया जाता है जो अपनी फील्ड में एक तरह से दूसरे अंदाज है उनका, तो उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, हम जब महिलाओं की बात कर रहे हैं तो आपने महिलाओं पे अगर हम बात करें तो आपने बहुत कुछ लिखा है और उसमें आपसे जब बात हो रही थी तो आपने कहा भी था कि अभी आपको महात्मा गांधी पुरस्कार भी मिला है, वैसे तो इस साल का ब्यास सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, यूके कथा सम्मान, ये सब चीजें भी मिली है, उसकी भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन आपने जो 6 खंडों में अनुवाद या उसको क्रिएटिव राइटिंग कहेंगे कि अदब में बाई पसली, मतलब इतना अटपटा सा नाम, एक रहस्य है, ये क्या है और महिलाओं पे इसमें क्या क्या सोच करके आपने इस, और 6 खंडों में है, ये सबसे बड़ी बात ये है। मुझे याद है कि जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मैं अपना तो पैमाना जानती नहीं थी, मैं कौन हूँ और क्या लिख रही हूँ और आलोचक क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे याद है कि एक खास किस्म का BBC से प्रोग्राम हुआ था, उसमें 3 लोग सेलेक्ट किए गए थे और उसमें कहा गया था कि ये बहुत स्त्रीवादी हैं, तो ठीक है स्त्रीवादी उन्होंने कह के इंट्रोड्यूस कराया मुझे और मैंने चिकन के कारीगरों पे एक फिल्म की थी BBC के लिए, और ये 2 लोग जो थे उसमें से एक पाकिस्तानी महिला थी और एक उर्दू की थी, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि स्त्री विमर्श के नाम पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी भागीदारी मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ, ये वाली बात है कि आपने स्त्रियों के लिए लिखा है लेकिन आप स्त्रीवादी नहीं है, आप खुद को स्त्रीवादी नहीं मानती हैं। मैंने कहना शुरू कर दिया कि मैं पूरी आबादी के लिए लिखती हूँ और मैं अलग से कोई ऐसा नहीं कि मैं इकहरी नजर रखती हूँ, इस इकहरी नजर के को लेके मैं बड़ी डिस्टर्ब रही और इस डिस्टर्बेंस की वजह से मैंने अपने 4 हीरो, वो जो अच्छे मर्द थे जो साहित्य से एकदम गायब हो रहे थे और बुरे बुरे लोग आ रहे थे, आसन जमा रहे थे, तो मैंने अपने 4 नॉवेल जो हैं, अक्षयवट है, जीरो रोड है, कुइयां जान है, पारिजात है, इसके हीरो वो मर्द जो इंसानी है पुरुष, उनको मैं लाई और उसी में ये सवाल मैंने उठाया कि क्या ये सच है कि औरत का दुख औरत ही लिख सकती, मर्द नहीं, तो मर्द अभी तक कर क्या रहे थे, एक से एक बड़े मर्दों ने एक से एक जिंदा किरदार दिए, तो मेरे अनुवाद इत्तेफाक से जो मैंने जमा किए तो उसमें ज्यादातर लेखकों, चाहे वो विदेशी हों चाहे देशी हों, उसमें सभी ने औरतों का किरदार किया। दरअसल औरत ही के चारों तरफ जिंदगी है, औरत ही की कहानी आप लिख सकते हैं, तो उसमें मुझे लगा कि मैं जो मेरी थिंकिंग है उसको मैं सामने लाऊं कि आप रो सकती हैं, विलाप कर सकती हैं या आप
विरोध कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब कला की कसौटी होती है तो वहां मर्द और औरत का दिमाग बटा हुआ नहीं होता है। तब मैंने ये अदब की पसली का टाइटल दिया और इसमें लेखक और लेखिकाएं दोनों को आमने सामने रख के ये दिखाया है कि कौन कैसे अपने जनाना किरदार, महिला किरदार से टकराता है और उसको सामने पेश करता है। तो इसलिए ये है। अब रहा सवाल आपका कि ऐसा नाम, एक्चुअली अब ये पुरानी चीजें भी मैं अक्सर जो हमारी सोच का एक हिस्सा है और उनको कह सकते हैं ओल्ड विजडम, तो उसमें कहा जाता है कि आदम की भी बाई पसली से औरत पैदा हुई है। और तो और इसका एक बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने कहीं पढ़ा था कि खुदा ने कहा है कि मैंने औरत को बाई पसली से इसलिए पैदा किया है कि वो मर्द के दिल के करीब है। अच्छा। और इसलिए नहीं, सर से इसलिए नहीं पैदा किया कि वो सर ना चढ़ सके, और पैर से इसलिए नहीं पैदा किया कि वो जूती ना समझी जाए, बल्कि उसकी कदर और इस तरह से उनको उसको संभाल के रखा जाए जैसे इंसानी जिस्म में दिल है कि दिल ही आपको जिंदा रखता है। तो मुझे लगता है कि मेरे नाम के पीछे का फलसफा ये है कि मैंने ये नाम पसंद किया। और बहरहाल इसमें 5 जबानी है, अच्छा 7 कंट्रीज हैं, अरबिक है, फारसी है, फारसी दरी है, उर्दू है, हिंदी है, और ये सब चीजें हैं और उनके ट्रांसलेशंस हैं। और सारे मास्टरपीस जो हैं वो ट्रांसलेट मैंने किए और बहुत अपने वक्त के बेहतरीन राइटर हैं उनकी चीजें इस किताब में हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक शालमली भी है उसमें, जो आपका वो आपकी जो वो महिला किरदार है, और ठीकरे की मंगनी की महरुख है, संग सार की असिया है। तो ये जो किरदार है ये कहाँ से थे, आसपास के थे या क्या था? देखिए, बचपन से एक ऑब्जर्वेशन तो आपका अपना होता ही है, और जब मैं दिल्ली में आई तो मुझे जो चीजें देखने को मिली उसमें एक पछतावा भी था और अपने काम की जगह से मुतमईन भी नहीं थी लेडीज, एक अजीब बेचैनी थी, ना वो बराबरी पा पा रही थी और ना वो कबूल कर पा रही थी कि हम इस स्थिति में रहें क्योंकि हमारी पास इतनी खूबियां हैं। तो सबसे पहले तो मैंने महरुख को जन्म दिया जिसके लिए कहा जाता है ये दोनों गंगा जमुनी तहजीब की रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छा। दोनों किरदार। तो उसमें मैंने ये दिखाया कि आप शादी से पहले रिवोल्ट कर सकती हैं, इनकार कर सकती हैं। फिर शालमली में दिखाया कि आप एक मरता जब शादी के बंधन में बन जाती हैं तो आपकी सोच, आपकी जकड़न, आपकी जो बंदिशें हैं वो एकदम अलग तरह की हो जाती हैं। तो उसमें शालमली आती है, लेकिन दोनों औरतों की डिमांड है बराबरी की, लेकिन ये दोनों औरतें फैमिली से अलग होकर रिवोल्ट नहीं करती हैं। अच्छा। फैमिली के साथ रिवोल्ट करती हैं, क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि अकेली औरत रिवोल्ट करके जाएगी कहाँ। लेकिन जब आप मर्दों को साथ लेके रिवोल्ट करते हैं, फैमिली को लेके, तो वो एक बहुत जमीनी बदलाव होता है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं स्त्रीवादी नहीं हूँ, इसीलिए, जबकि औरत मेरे यहाँ बहुत बुरी तरह से अपने को कहती है, बोलती है मेरे लिटरेचर में, लेकिन मैं अकेले मतलब आजादी की कायल नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि भाई मैं उस जुमरे में नहीं हूँ जहाँ पे अकेला आंदोलन होता है, क्योंकि समाज आप बदल ही नहीं सकते ना। देखिए कितने दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन एक तरफ हम बहुत आगे जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम उतने ही पीछे जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हम बैलेंस्ड नहीं है, संतुलित तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब हम जब किसी चीज को सोचते हैं तो हम उसको समग्रता से नहीं सोच पा रहे हैं कि अगर हमने ये कदम उठाया है तो इसका समाज के एक पूरे मतलब पूरे परिवार पर इसका क्या असर पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि मानव अधिकार को लीजिए, आज मानव अधिकार में पूरे परिवार, पूरा समाज और विश्व नहीं आता है, सिर्फ अकेले
औरत आती है और अकेला मर्द आता है, वो अपनी बात कहता है, औरत अपनी बात कहती, पिस्ता कौन है इसके बीच में? नई नई पीढ़ी, नई जनरेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप, हम इस सिलसिले को आगे भी रखेंगे। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का यूट्यूब पर प्रसारित होने वाला महिला संबंधी कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, जिसे आप न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हमारे हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारी वेबसाइट है newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu। हिंदी के श्रोता हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोता @AIRNewsAlerts को भी फॉलो कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नासिरा शर्मा और मैं हूं अलका सिंह। तो नासिरा जी, कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे कि आज जो एक कॉन्सेप्ट चल पड़ा है कि मी एंड माय लाइफ, है ना जी, है ना, और इट्स माय लाइफ और एक एनफ इज एनफ, इस तरह के इतने सारे मतलब कि हम इनको जुमले ही कहेंगे जो समाज में फेंक दिए गए हैं। लेकिन ये जो शायद जो लोग ये करते हैं उन्हें ये बात समझ नहीं आती है कि आखिर में इस चीज का क्या असर समाज पे पड़ रहा है, कितना असर। क्योंकि आपने तो बोल दिया कि मी एंड माय लाइफ, लेकिन मनुष्य अकेला नहीं है, उसके चारों तरफ एक संबंध है, सरोकार है, रिश्ते हैं, सारी चीजें हैं। अगर आपको कुछ होता है तो निश्चित आपका परिवार उससे प्रभावित होगा, परिवार के किसी सदस्य को कुछ होगा तो उससे पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि पति अपने बारे में सोच रहा है, पत्नी अपने बारे में सोच रही है और रिश्ते भी अब अलग अलग तरीके से होने लगे हैं, तो इस पे आपने जो कहा कि नई जनरेशन इसमें पिसती है। देखिए, संयुक्त परिवार टूटा भी उस घुटन की वजह से था, बिल्कुल, और अब एकल परिवार जो है वो अपनी तन्हाई से टकरा रहा है। सोशल लाइफ में आप कितने दोस्त बना लेंगे, क्या आपको यकीन है कि वो दोस्त जो हैं वो बड़े ईमानदार हैं और आपके साथ लगातार चलते रहेंगे? आखिर में आप अपनी उपलब्धियों के साथ जब अकेली रह जाती हैं या अकेले रह जाते हैं तो खुशी कौन बांटता है? ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और उसमें यह है कि बच्चों की जो परवरिश होती है वो उस तन्हाई से निकलते हैं, उनको बांटने की, एक दूसरे को समझने की कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिलती है। इससे जानते हैं क्या है, ये एक बहुत ही सुनापन, अकेलापन और एक अजीब तरह का नजरिया डेवलप होता जा रहा है कि जो कुछ है वो मेरा होना चाहिए, ये मैं हूं जो सब कुछ कर सकता है, बिल्कुल। तो इसलिए दूसरों का ख्याल ही नहीं आता है। और हम लोगों की जो परवरिश हुई थी वो ये थी कि बांट के खाओ, बराबरी से खाओ और दूसरों का ख्याल रखो। यहाँ तक था कि अगर कोई बड़ा तुमसे आ रहा तो तुम कुर्सी छोड़ के उठ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारी बात, कोई बड़ा अगर खड़ा है तो आप उठ जाए, आप बैठे ना रहे, ये सब चीजें मतलब एक अदब, एक संस्कार की बातें होती जी हाँ। तो उससे सुकून बहुत था। तो संयुक्त परिवार में बहुत सारी खूबियां थी शेयर करने की। अच्छा, अब आप शेयर किससे करते हैं? नौकरों से करते हैं। शेयर किससे करते हैं? गैरों से करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को दोस्त अच्छे नहीं मिलते, खूब मिलते हैं, लेकिन जरूरत क्या थी, वो पुरानी चीजों में एक नयापन डालते, ना कि उसको एकदम से कंडम करके वो जिंदगी आपने अपनाई जो बहुत ज्यादा आपको आत्मा का सुकून नहीं दे पाती। हाँ, क्योंकि वो यही हम कहते हैं ना कि जैसे जहाँ की जैसी मिट्टी होती है वहां वैसे ही पौधे लग सकते हैं या वो जीवित रह सकते हैं। और देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि पहले ये था कि तलाक अगर नहीं भी हुई, मान लीजिए, और छोड़ दिया मर्द ने या औरत ने, तो बच्चों को जो प्यार मिलता था वो बुआ का मिल गया, दादा दादी का मिल गया, नाना नानी का मिल गया। अब बच्चा कहाँ जाए, बिल्कुल, कहाँ से प्यार तलाश करे वो? और प्यार क्या चीज होती है, नानी की और दादी की कहानियां, ये सारी चीजें जो हैं उनसे वंचित होते जा रहे हैं बच्चे, बिल्कुल, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, जब हम बच्चों की ही जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे और भी कई चीजें हैं, लेकिन जब बच्चों की बात करते हैं तो एक बाल साहित्य है। बाल साहित्य मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है, और ये है भी, कि हम लोग दो वर्ग जो इस समाज में है वो कुछ ज्यादा उपेक्षित होते जा रहे हैं। एक तो है बच्चे और दूसरे हैं बुजुर्ग।
इसमें कोई शक नहीं है. मैंने कई बार कहा कि बूढ़ी काकी जो है प्रेमचंद की, वो आज भी हमारे यहाँ मौजूद है. बिल्कुल बिल्कुल. और हामिद भी हमारे यहाँ मौजूद है. लोग कहते हैं कि प्रेमचंद जी हैं आउटडेटेड हो गए, मुझे लगता नहीं. जो घरेलू पॉलिटिक्स है उससे तो भरा हुआ है उनका पूरा संसार जो संसार जो आजकल हो रहा है. देखिए, मेरे साथ सबसे बड़ी अजीब सी बात हुई कि मैंने बच्चों की का लेखन भी और पत्रकारिता भी एक साथ शुरू की. लेकिन हुआ यह कि मुझे उपन्यासकार और कहानीकार तो माना गया, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा मेरे अनुवाद की और मेरे बच्चों के लिटरेचर की नहीं हुई. जबकि बच्चे बहुत पढ़ते थे, वो फीडबैक मिलता रहता था मुझे. तो ये एक शिकवा भी मुझे है और दूसरे ये भी हसरत रह गई कि हमारे यहाँ किताबें जो हैं बड़ी खूबसूरत नहीं छपती थी उस जमाने में. लेकिन अब तो बहुत, क्योंकि मुझे लगता है वो तस्वीरें जो बहुत हसीन हो, जैसे रशियन लिटरेचर की हुआ करती थी, वो बच्चे ज्यादातर पढ़ना चाहते हैं चेहरों से. हाँ, जो चेहरे वो उनको आकर्षित करते हैं बहुत ज्यादा. उसका बहुत असर पड़ता है, बहुत असर. आंखों का एक्सप्रेशन जो आर्टिस्ट उभारता है. तो ये सब चीजें हैं और मेरी शायद बहुत लेट दो तीन किताबें वजूद में आई हैं, कुछ NVT से और कुछ प्राइवेट प्रकाशकों से. तो वैसे भी उपेक्षित है हमारे यहाँ जो बाल साहित्य. अगर आप दुनिया में जाइए, चाहे जापान जाइए और चाहे मिडिल ईस्ट की तरफ जाइए और चाहे इधर, बहुत ही खूबसूरत किताबें छपती हैं बच्चों के लिए, बहुत ही ज्यादा. और एक खास तवज्जो है. और मुझे सीरिया जाके बहुत ताज्जुब हुआ कि एक लेडी बाल साहित्यकार थी, वो लगातार हम लोगों के साथ बराबर से बिठाई जा रही थी. जबकि हमारे यहाँ बाल साहित्यकार जो है वो बाल ही समझा जाता है, लगता है उसकी ग्रोथ ही नहीं हुई है. बिल्कुल बिल्कुल. वो बड़े नहीं होते हैं, वो बाल साहित्यकार जो होते हैं वो लगता है बाल बड़ी ही रह जाता है. इसलिए भी शायद उन्हें उतना उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है. जबकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है, और खास करके बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. क्योंकि वो समय होता है जो बहुत चीजों को अपनी छोटी छोटी आंखों से बड़ी बारीकी से उसे समझता है, और जो उसका पूरा जीवन बनता है आगे, जो ये बुनियाद पड़ती है वो उसको ताउम्र उसके साथ रहती है. ये मैं अपने लिए कह सकती हूँ. मैं घर में सबसे छोटी थी और ऐसी ऐसी चीजें मैं देखती थी कि आज जो मेरी राइटिंग से निकल रही है या मेरे अपने एक्सप्रेशन हैं. एक मतलब मेरी माँ ने कहा था, ये तुमको कैसे पता चला, ये इतना पुराना नाम कहाँ से आया. क्योंकि वो उस वक्त तो मुझे बच्चा समझा जा रहा था, ये क्या सुन रही है, क्या देख रही है. लेकिन शायद बच्चे जितनी गहराई से ऑब्जर्व करते हैं सारी चीजें, और बाद की जिंदगी में उसका बहुत अच्छा और बुरा असर होता है. बिल्कुल. ये और मेरी अंदर की बगावत और आग जो थी वो उसी घर में हुई जहाँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन मुझे वो चीज नजर आ जाती थी जो मुझे डिस्टर्ब करती थी. बस बात ये है. यहीं से लेखक यहीं से जो कलम जो है वो बड़ी धारदार हुई और एकदम शानदार हुई. बिल्कुल. आपने हम बच्चों की बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आपने एक फिल्म भी बनाई थी प्रिजनर्स ऑफ वॉर, और ये फ्रेंच टेलीविजन पर 2003 में दिखाई गई थी, जिसमें 100 बच्चों की रिहाई की बात की गई है. ये क्या था? एक्चुअली वॉर तो बहुत चली ईरान और इराक की, और इराक में बुलाया गया था मुझे कि वॉर ये बंद हो. तो चूंकि मैं राइटिंग कर रही थी ईरान पे, तो इसलिए बुलाया गया था. वहां जब गई तो मालूम हुआ कि यहाँ तो ईरानी कैदी हैं. मुझे लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है. फिर ये तय हुआ कि अच्छा मैं पर्शियन में बोलती हूँ, तो निकले वो ईरानी. अच्छा. हाँ, तो फ्रेंच टेलीविजन वाले भी आए थे, तो बोले तुम इंटरव्यू ले लो मेरे लिए. और ये होता तो मेरा इंटरव्यू का सवाल जवाब जो था उससे बड़ा हंगामा मचा था, और तकरीबन 100 बच्चे जो थे वो वापस जाना पड़ा उन लोगों को. और 2017 में मुझे एकदम से एक इनविटेशन मिलता है एक NGO का कि क्या आप आना पसंद करेंगे उन बच्चों से जो आजाद हुए थे या वहां पे मौजूद थे जब आप गई थी रमादी कैंप
इराक में, वो अब बड़े हो गए और बच्चेदार हो गए. तो जब मैं गई तो कोई 40 कोई 50, और इतना इमोशनल क्योस था कि मैं रो रही थी, वो लोग रो रहे थे, और अपने अपने जो मोबाइल है कह रहे थे खानू शर्मा देखिए ये मैं हूँ, ये छोटा बच्चा था, ये मैं हूँ. और बहुत ही अजीब सा वो एक्सपीरियंस हुआ. और बहरहाल उन लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, इसलिए जितने जर्नलिस्ट गए थे, तो अब चूंकि बात फिर वही आ जाती है भाषा पे, अगर आप भाषा जानते हैं तो आप दिल में उतर जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. यही तो मैं शब्द, तो उसका भी चर्चा बहुत हुई थी, दो उसमें बहुत चर्चा हुई थी. आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जो शब्द होता है, शब्द ही हमें बहुत निकट लाता है और शब्द ही जो है वो हमें बहुत दूर कर देते दूर हैं. कर देते, तो ये शब्दों की ही क्या कहा जाए, शब्द की महत्ता है. जी, जी. जो हम जब किसी की भाषा में बात करते हैं या जब हम उसके मन को पढ़ने लगते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति हमारे करीब आ जाता है, और इसमें सरहद कोई मायने नहीं रखता. बिल्कुल बिल्कुल, रहता ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं. देखिए टैगोर की जो सबसे खूबसूरत कहानी है वो काबुलीवाला है. बिल्कुल बिल्कुल. कहाँ काबुल से आया हुआ मेवा और वो चिलगोजी और सब चीजें बेचने वाला कहाँ उनकी बेटी कहाँ वो. हाँ, और हम सबने जब बचपन में इस कहानी को मतलब जब हम लोगों ने पढ़ा था तो निश्चित रूप से एक एक शब्द जब वो काबुली वाला चला जाता है तो हमें भी रोना, और हम भी लगता था जैसे छोटी सी जो मिनी थी ना वो शायद हम ही है और हमें कोई छोड़ करके चला गया है. और मतलब वो सारी चीजें एकदम मतलब क्या कहा जाए, उन सब चीजों को आत्मसात करके और वो कहानियां बड़ी असर डालती हैं. अरे आप वो देखिए वो जो बच्ची के हाथ का नक्शा निकाल के देता है, उसको एहसास होता है अभी भी वो इतनी ही बड़ी होगी. हाँ, 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 हाँ. बिल्कुल. और बहुत अच्छा, मतलब हम लोग इतने उस पे मतलब इतने रोचक उस पे आ गए हैं. बिल्कुल, ही सिलसिला जारी रखेंगे. और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का YouTube पर प्रसारित होने वाला महिला संबंधी कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, जिसे आप न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर सुन सकते हैं. हमारे हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारी वेबसाइट है newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu. हिंदी के श्रोता हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोता @AIRNewsAlerts को भी फॉलो कर सकते हैं. आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर नासिरा शर्मा जी से और मैं हूं अलका सिंह. हम लोग बात कर रहे थे बच्चों की बात कर रहे थे, उनके प्रिजनर्स उसकी बात कर रहे थे. तो आपने आपकी जो एक कहानी संग्रह है शामी कागज, जी ये शामी कागज क्या है? हाँ मेरे नाम कुछ मैं बहुत एक्चुअली मैं बहुत सोचती हूँ कि मेरी कहानियां क्या कह रही हैं, क्या वो है, उससे मैं नाम निकालती हूँ और काफी वक्त खर्च करती हूँ. तो किसी हिस्टोरियन के साथ मैं उनके लिए पर्शियन स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, तो वहां पे आया कि सीरिया में एक रेशमी कपड़ा होता है, सिल्क होती है, जिसपे फरमान लिखे जाते थे. और उसकी खूबी ये थी उस सिल्क की कि उसको धो के फिर इस्तेमाल किया जा सकता है. तो मुझे लगा ये तो बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन है इस सिल्क के बारे में. तो मुझे लगा कि औरत का दिल भी ऐसा है कि मोहब्बत में अगर उसके दिल पे कोई नाम नक्श हो जाता है तो फिर वो उतारा नहीं जाता है, भूलता नहीं है. इश्क तो बाद में कई हो सकते हैं लेकिन वो पहला इश्क जो है वो दिल पे एकदम मजबूत स्याही से लिख जाता है, गहरा खुद जाता है. बिल्कुल. और ये जो जैसे महिलाओं की जब बात चलती है, आपने भी कहा था कि मैं स्त्रीवादी, तो स्त्रीवादी मैं नहीं हूँ, उसकी वजह थी. देखिए मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि स्त्रियां अगर सब चीज छोड़ के एकदम अजीब तरह से, तो वो स्त्री ना तो उसकी बनावट में ये है. स्त्री घर चाहती है, रिश्ते चाहती है, ये एक हकीकत है. बिल्कुल. वो इसके बिना जी नहीं सकती है. मर्द जो है उसके लिए घर इतना जरूरी नहीं होता, रिश्ते नहीं, उसके लिए सत्ता जरूरी होती है. ये 80% लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, या मेरा ऑब्जर्वेशन जो है उससे निकल के आता है. वो कहीं भी सो सकते हैं, लेकिन औरत जो है वो बिना रिश्तों के और बिना
कुछ सजाए या कुछ बोए क्रिएटिविटी है उसको बनाया ही गया है और इसीलिए तो वो बच्चे पैदा करती है। हाँ, सृजन का अधिकार, सृजन उसे ही मिला है खुदा के बाद। अगर कोई सृजन करता है तो वो औरत करती है। तो अगर आप उससे भाग रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी पहचानी को मिटाना चाह रहे हैं। आप उस पहचान को निखार सकते हैं, तराश सकते हैं और अपनी अधिकार को मांग सकते हैं, लेकिन उसको मिटाने का तो कोई दुख नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एकदम सही है निश्चित। और जब महिलाओं की बात हो रही है और ये कार्यक्रम भी हमारा लेट्स कनेक्ट जो है वो महिलाओं से ही जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, तो फिर जो ये जब आपने जो सत्ता की बात की कि पुरुष सत्ता चाहते हैं और महिलाएं जो है वो अपना संसार चाहती हैं, अगर हम कहें तो बिल्कुल। तो ये जो सत्ता की जहां तक बात है, तो अभी जो वुमेन रिजर्वेशन की भी बात चल रही है 33% की जो बात चलती है, इससे कितना कुछ बदलेगा? देखिए मैं एक बात बता दूं, मेरी थिंकिंग थोड़ी सी अलग है। मैं किसी तरह के रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ। अच्छा। हम हिंदुस्तानी हैं, हम औरत मर्द हैं, जो कमजोर है उसको रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन स्त्री के नाम से ये करना, ये मैंने हर जगह लिखा है, हर जगह ये चीज है। रिजर्वेशन से बहुत सारी चीजें निगेटिव भी वजूद में आ जाती है और लगातार वो रिजर्वेशन चंद सालों के लिए नहीं होता है, वो साल हर साल चलता रहता है और उससे एक बेहिसी का आलम हो जाता है और उसके निगेटिव जो नतीजे हैं वो कई जगहों पे मैंने देखे हैं। पता नहीं क्यों शुरू से मैं इसको कबूल ही नहीं कर पाई रिजर्वेशन। लेकिन इससे लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर आपका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो महिलाएं मजबूत होंगी, एक पक्ष तो ये भी कहता है। नहीं, वो पक्ष जरूर कहता है कि अगर आपको संख्या चाहिए तो ठीक है और अगर आपको काम चाहिए तो देखिए, बिना रिजर्वेशन के अगर आप देखिए, पहली हवाबाज, पहली टीचर, पहली इंजीनियर, पता नहीं क्या, पहली आईपीएस, पूरा पूरा लंबे समाज स्त्री का पूरा, आप गिनती गिन जाइए, क्या जरूरत थी उसको बैसाखियों की? वो तो खुद अपने दमखम पे हुई, उसने तलवार भी उठाई, उसने बहुत कुछ किया। तो ये सब चीजें बहुत गैर जरूरी हैं, मुझे लगता है ये बहुत गैर जरूरी है। आप चुनिए, साल में चुनिए 1000 औरतों को जो कमजोर हैं, जिनको आगे बढ़ना है। 1000 नहीं, चलिए 10,000, 1,00,000 चुन लीजिए, हर हर से चुनिए। लेकिन ये कि एक कौम को आपने रिजर्वेशन दे दिया या एक जाति को रिजर्वेशन दे दिया, जब हम बराबर हैं तो हमको आर्थिक तरीके से देखना था कि कौन पिछड़ा है, एजुकेशन के अंदाज से देखना था कौन पिछड़ा, हम उसको उठाएं, ना कि हम किसी जाति को अपने से अलग कर दें कि तुम हमारे बराबर नहीं हो। वो दूसरी तरीके से आप कहिए कि जो लोग कमजोर हैं, जो हमारे बराबर नहीं है, वो अब आगे बढ़ेंगे, एक अच्छी चीज होगी। लेकिन रिजर्वेशन तो मैं कहीं नहीं चाहती हूँ। मतलब महिलाएं अगर बढ़ना चाहती हैं तो बिल्कुल बड़ी हिम्मत और मेहनत से, इस तरह से नहीं कि ये, और फिर जलील भी होते हैं वो लोग, रिजर्वेशन से आए, आता कुछ नहीं है। तो आपने जो चरित्र निर्माण है वो तो किया ही नहीं, बिल्कुल नहीं किया है। जो चरित होती, बिस्मिल्लाह खान कौन थे? उन्होंने क्या रिजर्वेशन से बढ़े थे? उनकी शहनाई के आगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जाति, उनका वर्क, उनका चेहरा, सब चीजें पीछे हो जाती हैं जब वो अपना अपनी कला लेके सामने आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो तेवर हिंदुस्तानियों में आना चाहिए, कौन क्या है इस पे तवज्जो नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। और जब इसी की बात करते हैं तो आगे हम बढ़ते हैं, अभी हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आपने संरक्षण पे भी काम किया है और बहुत अच्छा लिखा है। तो हम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का YouTube पर प्रसारित होने वाला महिला संबंधी कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, जिसे आप न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर सुन सकते हैं। हमारे हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारी वेबसाइट है newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu।
हिंदी के श्रोता हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोता @AIRNewsAlerts को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हम आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नासिरा शर्मा जी और मैं हूं अलका सिंह जी। तो नासिरा जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब बात समाज की चल रही है, जब बात महिलाओं की चल रही है, तो थोड़ी सी बात जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, बात तो थोड़ी है लेकिन बहुत ज्यादा चल रही है, कि हम संरक्षण की बात है, जल संरक्षण की बात हो रही है, वायु प्रदूषण जो इन दिनों बहुत थोड़ा बढ़ गया था उसको लेकर के बात चल रही है, और प्रकृति जो जिस तरह से हम एक तरह से मनुष्य जो है वो विकास के नाम पे कई बार लगता है कि विनाश की तरफ भी बढ़ रहा है। तो ये जो आपकी एक आपका आपकी कहानी थी कुइयाजान, हाँ उपन्यास था जो कुइयाजान, उसमें भी कुछ इस तरह की बात की गई है। देखिए, बचपन से एक चीज तो मैं देख ही रही थी, अब टेक्निकल लफ्ज तो मैं नहीं आज का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन पानी पे बंदिश और रिश्तों का सूखना, इंसानी रिश्तों का, बहुत बढ़िया। और जब थोड़ा सा बड़ी हुई तो देखा एकदम से इलाहाबाद की दो नदियां लबालब भरी हुई, और उसमें कहा जा रहा है कि आप एक वक्त या दो वक्त पानी मिलेगा, तो फिर वो पानी हमारा जाता कहाँ, ये बचपन का दिमाग था। फिर गई मिजोरम, वहां पे बादल हम लोगों को छूते हुए गुजर जाते हैं और दिन रात बारिश बड़ी खूबसूरती से, और पीने का पानी नहीं। अच्छा। शिलोंग में देखा कि लोग बारिश के पानी से घर का वो करते हैं, सफाई वगैरह, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, लेकिन पीने का पानी नहीं। तो लगा ये है क्या, हमारे यहाँ इतनी नदियां हैं, सब कुछ है, एक्चुअली है क्या परेशानी। तो कुइयाजान मैंने मिजोरम में ही शुरू की थी। अच्छा। अच्छा, जीनियों में भी जब हम लोग आए तो पानी का टैंक आता था, प्रोफेसर है, चपरासी है और स्टूडेंट है, सभी बाल्टी लेके खड़े होते थे, ये भी एक झटका था। तो पता नहीं नदियों के देश में क्या हो रहा था, नदियों में क्या हो रहा। तो उसमें फिर मैंने ये शुरू किया ये कहानी, एक झटके में कहानी 200 पेज की तो निकल ही गई, लेकिन फिर उसको बड़ा संवारने और सजाने में काफी वो लगा, और शायद ये पेयजल पे पहला ही उपन्यास था, नदियों पे बहुत बहुत है भाई, और यही समझ में नहीं आया कि एक्चुअली, और फिर नदियों की हालत भी देखी, जहां जाती थी वहां नदियां जो हैं वो नालों के कगार पे थे, अजीब तरह की थी। और एक बात ये थी कि मैं यहाँ पे गई थी फैजाबाद, फिर उधर से मैं सरयू नदी की तरफ गई, तो लगा कि अरे ये वही जगह है जहाँ पे चारों भाइयों ने वो ली थी, समाधि ली थी, या अकेले राम जी ने ली थी, हाँ कुछ है। तो मुझे लगा था कि इसको मैं टच तो करूं, ये तो मेरा तारीखी है, बिल्कुल बिल्कुल, इतना इमोशनल हो गई थी। तो मैं जब सीढ़ियां उतरी तो वहां गायों की वो गंदगी पड़ी हुई थी, और नीचे उतर के गई तो मच्छरों ने जाल फैला रखा था, कुछ समझ में नहीं आया कि मैं रोऊं या कैसे एडजस्ट करूं कि इतनी पाक और इतनी तारीखी जगह का ये हाल, और ये मैंने जाना कहां, क्योंकि किसी मुगल बादशाह ने वहां पे कुछ काम वाम कराया था तो उसका बोर्ड लगा हुआ था, लौट गया। ये सारी चीजें जो थी वो कुइयाजान में एकदम उबल के आई। और एक चीज और बताती हूँ, जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरा ऑब्जर्वेशन जो था वो पियाऊ में बहुत रहता था। अच्छा। गाय अपना पी रही है, फला हो रही है, पियाऊ अब है ही नहीं, कहीं है ही नहीं पियाऊ, गायों का एकदम घूमना प्यासा, बकरियों का घूमना, चिड़ियों का भी, चिड़ियों का घूमना। तो बड़ी खूबसूरती से फिर उसमें सब चीजें मैंने निकाली, और रिश्तों को भी किया कि जैसे पानी की सतह नीचे हो रही है वैसे ही इंसानों की संवेदना एक दूसरे के लिए शुष्क हो रही है, बड़ी मतलब परस्ती से जिंदगी जी जा रही है। तो ये सवाल था कि ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। और फिर मजे की बात यह कि किसी ने गांव से हमको फोन किया कि आपको गंगा का नया घाट देखना है तो आ जाइए। तो मैंने नदियों के इस उसमें भी नहीं थी कि नदियां जोड़ी जाएं। अच्छा। तो मुझे लगा ये तो बड़ी चंचल चीज है नदी, कब किसका मूड बदल जाए। बिल्कुल।
और इतना पक्का वो घाट निकला है क्योंकि वो मुड़ गई, उसने गोकुल झील बना ली और आगे बढ़ गई। तो ये सब चीजें बड़ी दिलचस्प थी, बल्कि इसको लेके मैं राष्ट्रपति कलाम साहब से मिली थी। अच्छा। कि प्लीज ये नदी जोड़ना ना कीजिए, ये बहुत पैसे का भी है और वो भी नहीं है। उन्होंने 20 मिनट हमको बात करने को दिए थे और मैंने सभी को वो किताबें भेजी थी कि मैं इसके ऊपर बात करूं। और राइटर को भी देखिए, बात करने से बहुत कुछ मिलता है उसको, और क्रिएटिविटी से जब आप टकराते हैं तो आपका भी किसी झनकार होती है। सिर्फ कलाम साहब ने मुझे टाइम दिया और उन्होंने ये बात कही कि हम नदियों को नहीं, वो जो चीजें सूख गई हैं उसको हम ये कर रहे हैं, फला कर रहे हैं। और मुझे नदियों का से बहुत इंटरेस्ट था कि भाई देखिए, हम नदी के देश के हैं, इलाहाबाद के हैं, नहाए भी हैं, उसका हुस्न भी देखा है, उसका सूखापन भी देखा है। और ये अलग बात है कि ये नदी हमारी है, तुम्हारी है, किसने गंदगी की, कौन साफ कर रहा है, लेकिन हम सबको इसकी तरफ ध्यान देना है। क्योंकि आपको याद होगा कि हम नल खोलते तो पानी पीने लगते थे, अब सीधे आप नल से पानी नहीं पी सकते, ये सब हो क्या रहा है। तो इसलिए कुइयां जान वजूद में आई। फिर नाम को लेके बहुत था, क्या नाम बहुत याद है, तो मुझे लगा इसमें कुइयां और फिर जान लगा दो। और एक साहब ने हमसे कहा कि मैं इसको समझा था किसी कोठे की कहानी। अच्छा। जैसे इमराव जान आता है, तो मैंने कहा भाई इमराव जान है तो ये किताब खरीदो, बड़ा मजा आएगा। और इतना बड़ा प्रॉब्लम उसमें क्योंकि जान मैंने कुइयां में इसलिए लगाया कि ये जान है हमारी, जल ही जीवन है, हम तो कहते ही हैं। तो इसलिए वो बहुत पसंद की गई। और जब हमको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला तो लोग कुइयां जान और शालमली चीख रहे थे, मिला पारिजात को। पारिजात को मिला, बिल्कुल बिल्कुल। और ये हाँ बताइए, हर किताब की एक नियति होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुइयां जान को भी यूके कथा सम्मान, हाँ वो यहाँ लोगों ने नहीं उसको वो किया, लेकिन बहरहाल वो मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छी आपने बात कही कि जो ये पानी वहां सूखा है ना, और रिश्तों में, रिश्तों की नमी में कमी जो है वो यहाँ आई, मतलब दोनों हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर पानी जहां भी घटता है वहां फिर कमी हो जाती है। और बहुत अच्छी बात, और जो आपने इतनी सारी चीजें लिखी, तो हम कहते हैं कि लेखन भी साधना है, इसमें कोई शक नहीं, आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। और मैंने बड़ी कुर्बानियां की हैं कि मैं बैठूं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ छोड़ा ना, और बाद में मुझे लगा कि आप घर बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं, तो फिर उसी में डूब गई मैं, उसी में डूब। तो मतलब इतने उसमें, मतलब जैसे इतना कुछ आपने लिखा है, जब मैं देख रही थी, पढ़ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि लेखन साधना है, वो तो बात सही है, लेकिन इसको किस तरह से, मतलब कैसे मैनेज करती, क्या हमेशा वो चीजें दिमाग में कथाना। साधना में तो रिपीटेशन भी है, जब आप साधना कहते हैं तो रिपीटेशन है, ठीक है, सेम भगवान है, सेम जुमले, सेम निष्ठा है, लेकिन बिना अनुभव और अनुभूति के ये भी ऊपर वाले की बहुत बड़ी वो है कि मुझे कुछ और दिया गया हो या ना दिया गया हो, लेकिन मुझे अनुभव बहुत हुए हैं, मेरी जिंदगी में मोड़ बहुत आए हैं, चाहे वो दूसरों की जिंदगी से या अपनी जिंदगी से, तो इसने मुझे रिच किया है, इसने मुझे रिच किया। इसलिए एक नॉवल दूसरे नॉवल से नहीं मिलती, एक विषय दूसरे से नहीं मिलता है, उसकी यही वजह है। और यही जानते हैं सबसे बड़ी दौलत एक लेखक की है। बिल्कुल, निश्चित रूप से यही सबसे बड़ी दौलत एक लेखक की होती है कि जब वो लिखता है, जब खुद को वो व्यक्त करता है कागज पे, जब उसकी कलम चलती है, तो वो पाठक के मन में, पाठक के मस्तिष्क में कितना असर डालती है, ये लेखक की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और निश्चित रूप से जो आपने कहा कि वो जो बच्चे थे जो कह रहे थे, फोटो देख करके कह रहे थे कि ये जो छोटा सा बच्चा था ये आज मैं हूं, तो इस तरह से आपसे बात करके वाकई में बहुत अच्छा लगा। लेट्स कनेक्ट कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर नासिरा शर्मा जी से, और हम फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। और बहुत अच्छा लगा कि आपने एक एक चीजों को बड़े अच्छे से समझा। हाँ, और मैं चाहूंगी कि मैं अपनी नॉवल, नए नॉवल के बारे में भी अगले प्रोग्राम में बताऊंगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया।